पहले तय कर लो मंसूर साहब, तुझे कहना की चाहते हो बोल को ना गल अभी तो लेट क्यों आ रहे हो भाई, मारी मर्जी लेट क्यों आ रहे हो, तो बात है भला करने वाली। कह के जी प्लीज पिंकी पीनी से मेरी मुलाकात का वक्त बढ़ा दे, वादा किया था तो आपने अपनी टिकटें आप भी कटाए, और अगर टिकटों कटाने में कोई आपको प्रॉब्लम हो तो हम आपको टिकट खुद दिलवा देंगे। ये मतलब ग्रेस भी है, ये मतलब मजा भी है एक इसी बेस को। तो मरीम नवाज साहिबा को बाई से बरी किया गया, जिस तरह से प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च करके मियाँ साहब की तस्दीक करके एक दफा चौथी दफा फिर वजीर आजम पाकिस्तान दूर साहब इतने बच्चे तो नहीं है, वो जो हिकमत वाला काम कर रहे हैं वो ज्यादा बेहतर है। ये बताएं कि मियाँ साहब वापस आ गए तो वो जी शयान और पार्टी है उधर से बढ़ना होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, टुडे विद जज्बा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और आज किस पे बात होगी? आज यकीनन मियाँ जद आएगा तिल्ला का पता जाएगा पे बात होगी, उसके अलावा हम और किस पे बात कर सकते हैं। मियाँ साहब जो हैं कल साबिक वज़ीरे आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो मियाँ साहब को साथ खड़ा करके, साथ में ख्वाजा आसिफ साहब थे, बाकी पार्टी के लोग मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में जो है वो उस तारीख का ऐलान किया जिस तारीख का हम सबको बहुत बेताबी से इंतज़ार था। और इसके ऊपर आपको पता है बहुत सारे पार्टी के हमारे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ तारीखें देते रहे हैं, जिसके ऊपर हमारे नाकदीन जो है वो आज डेट के अनाउंस होने के बाद भी वो ये बात कर रहे हैं कि जी पता नहीं ये डेट भी फाइनल है कि नहीं। और हमारे जो है वो कुछ लीडराने कराम जो है वो पता नहीं शौक शौक में तकरीरें करते रहे और डेटे देते रहे, और मैं उस वक्त भी कह रही थी कि ये अनाउंसमेंट जहाँ से आनी है ये वहीं से आएगी। इसके ऊपर जो है वो हम डिटेल से बात करेंगे। कुछ हमारे जो टाइगर साफी हैं उनके जो तो पेट में दर्द है वो तो है ही है, उसको तो मतलब आपको पता ना, उसको तो पक्की के अलावा इलाज नहीं होता। लेकिन जो टाइगर साफी नहीं है उनकी मैंने कुछ की राय सुनी मियाँ साहब की पाकिस्तान आमद के हवाले से, जिसमें मंसूर अली ख़ान शामिल हैं, जिसमें जावेद चौधरी शामिल हैं, जिसमें जो है वो नुसरत जावेद साहब ने कल पता नहीं किस टोन में किस उसके अंदर जो है वो गुफ्तगू की, तो उनके ऊपर जो है वो थोड़ी सी गुफ्तगू मेरा ख्याल है कि आज हमारी बनती है। और ये चैनल बनाने का मकसद ये था कि हम चूँकि जा के पर्सनली बात नहीं कर सकते तो हम भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए दें। तो सबसे पहले जो है वो शुरू यही करते हैं कि 21 अक्टूबर को इंशाल्लाह ताला जो डेट अनाउंस हुई है उसके ऊपर मियाँ साहब जो हैं वो तशरीफ़ लाएंगे। और पहले भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जब ये अनाउंसमेंट किया कि मियाँ साहब अक्टूबर में वापस आ रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे साफ़ी जो हैं उनको शायद दोबारा सुनने की ज़रूरत है वो क्लिप, जिसके अंदर उन्होंने सिर्फ अक्टूबर का जिक्र किया था, कोई डेट नहीं दी थी। और जो है वो मैं आपको पता है कि मैं खुद खाकसार ये कहती रही कि ये डेट देने का इख्तियार किसी ABCD के पास नहीं है, ये डेट देने का इख्तियार ज़ाहिर है जो कायदे जमात हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब या वो ख़ुद फरमाएंगे या वो सदर जमात जो हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब उनके थ्रू जो है ये अनाउंसमेंट होगा और होना भी उनके से कीजिए, मतलब ग्रेस भी यही है, मतलब मज़ा भी है। एक देखो ना, मियाँ साहब ने आना है तो उनका एवं एरा गैरा तो मतलब अनाउंसमेंट नहीं कर सकता ना, उसका अनाउंसमेंट भी जो है वो सदर जमात की तरफ से होना चाहिए। तो वो अनाउंसमेंट जो है वो हो गया है और अभी भी इसके ऊपर कुछ डिटेल्स जो है वो आना बाकी हैं कि मियाँ साहब जो है वो कब किस फ्लाइट से आएंगे, कौन से एयरपोर्ट पे उतरेंगे। लाहौर का मैं गालिबन मेरा ख्याल है कि शायद फैसला हो चुका है और बाकी डिटेल्स क्या होंगी उसके ऊपर जो है वो यकीनन आने वाले दिनों में वो भी डिटेल्स सामने आ जाएंगी। एक और जो खबर अंदरूनी खबर मैं आपको बता रही हूँ ये है कि पाकिस्तान में बल्कि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश जो है मियाँ साहब के आने का कौन हो सकता है। हम सब तो है ही हैं अपनी जगह पर, लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा यकीनन वो सबसे ज़्यादा खुश और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं, एक तो अपने कायद को मुल्क में वापस लाने के लिए, एक अपने वालिद को जो है वो वापस अपने घर में अपने पास जो है वो देखने के लिए। और इस हवाले से मुझे उम्मीद है कि जो सदर जमात के साथ जो है मरीम नवाज शरीफ साहिबा ये पूरे जो मियाँ साहब को एक ग्रैंड इस्तकबालिया जो है वो मुस्लिम लीग नून के लोग भी और पाकिस्तान की आवाम भी देगी, उसको वो खुद भी जो है वो मॉनिटर करेंगी, वो हर जगह पर हर चीज़ के अंदर शामिल होंगी और एक बहुत अच्छा इस्तकबालिया जो है वो प्लान किया जा रहा है मियाँ साहब के लिए। और अल्लाह पाक में कामयाब करे कि हम उसके ऊपर जो है वो उनको उनकी शायान शान जो है वो इस्तकबालिया दे सकें, बिकॉज ये उनका हक है। जिस तरह से प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च करके मियाँ साहब की तस्दीक करके, उनको नाहेल करके, उनको बेटे से ख्याली तनख्वाह के ऊपर जो है नाहेल करके, फिर उनके ख़िलाफ़ जो है बाकायदा जो है वो एक प्लान के ज़रिए सरीना के लिफाफों में जो है वो फैसले दिलवा कर और पूरी एक तरीके से जो है वो मियाँ साहब को जिस तरह से राह से हटाया गया,
अब ये हमारी जिद भी है और ये मियाँ साहब का हक भी है कि उनको जो है दोबारा से एक दफ़ा चौथी दफ़ा फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया जाए। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की तारीख निकाल के देख ली है, पाकिस्तान ने तरक्की ही तब की है जब मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। और वो बेशक महंगाई का खात्मा हो, वो बेशक बैरूनी सरमायाकारी लानी हो, वो बेशक लोड शेडिंग का खात्मा हो, वो बेशक दहशतगर्दी का खात्मा हो, वो एटवी धमाके हों, मतलब जितने भी बड़े बड़े काम हैं, मोटरवेज हैं, बड़े बड़े स्कूल हस्पताल हैं, ये तमाम जो है ये मियाँ साहब के दौर के बने हुए हैं और वही इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली की अलामत है। और फिर यह है कि पूरी दुनिया उनके ऊपर ट्रस्ट करती है, पूरी दुनिया जो है उनको एहसास होता है कि अब वो एक कार्टून जो है वो जो कैदी नंबर 804 है उस जैसा कार्टून भी देख चुकी है दुनिया और उनको बहुत अच्छा फ़र्क जो है वो पता चल गया है कि जो है वो सियासतदान और कार्टून के बीच में फ़र्क क्या होता है और किस तरह से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का सौदा किया गया, उस पर खेला गया, किस तरह से पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उनको एक दूसरे के साथ लड़वाया गया। तो ये बहुत एक लंबी वो है, इस पर बात लंबी हो जाएगी, जितनी भी करूँ बात कम है। तो इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब दोबारा जो है वो चौथी दफा वज़ीर आज़म बनने के लिए आ रहे हैं और इसके ऊपर बहुत पेट में दर्द है। टाइगर साफियों को तो बहुत ही पेट में दर्द है, वो बेचारे तो मुझे लगता है रात को उल्टियाँ भी करते रहे होंगे इस गम में कि डेट अनाउंस हो गई है। उनके ख्याल में यही था कि जी नहीं होना ही नहीं, वो आएंगे ही नहीं जी, वो आ ही नहीं सकते, यही चल रहा था। और हम सभी भी ये सवाल पूछा जाता था वाकई अक्टूबर में आ रहे हैं, तो अब मैंने पूछना जी उन आराम है, उन तसल्ली है, आ रहे हैं इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को वो आ रहे हैं। अब मैंने मंसूर अली खान साहब का एक जो है ब्लॉग देखा, उसके ऊपर उन्होंने कुछ सवाल जो है वो उठाए, मैं कोशिश करूंगी कि उनके सवालात का जल्दी जल्दी जवाब दे सकूं। एक तो उन्होंने मियाँ साहब को दोबारा जो है वो मफरूर कहा और उन्होंने कहा कि जी वो अदालतों में उनके केस पेंडिंग है, लेकिन मंसूर साहब को जो खा ये पता नहीं चला कि एक केस जो है जो अलजीजिया वाला केस है उसमें ऑलरेडी जो है उनकी जो है वो सस्पेंशन हो चुकी थी, सजा सस्पेंड हो चुकी थी। और फिर जो एवन फील्ड वाला केस है उसके अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा और कैप्टन सफदर जो उनके साथ मुलजमान थे उनके केस को स्टडी करते हुए मियाँ साहब के केस के ऊपर भी अदालत ने उस फैसले के अंदर बात की है और उन्होंने कहा है कि मियाँ साहब का भी इसमें कोई कसूर नहीं है, तो मरियम नवाज का तो कसूर ही नहीं बनता। और इसी बेस के ऊपर मरियम नवाज साहिबा को बाइज्जत बरी किया गया, कैप्टन सफदर साहब को भी। तो जो है और क्या मंसूर अली खान साहब बहुत बच्चे हैं, उनको नहीं पता कि जो है वो मियाँ साहब को जो है वो किन हालात के ऊपर ये केस बनाए गए थे, क्यों केस बनाए गए थे, मंसूर साहब इतने बच्चे तो नहीं हैं। अब अगली उन्होंने जो है वो उन्होंने कहा कि जी शहबाज शरीफ का जो एफिडेविट था उस पर अब शहबाज शरीफ के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब कमाल की बात यह है कि जब वो मुल्क में नहीं थे तब एफिडेविट पर प्रॉब्लम नहीं हुआ, अब वो मुल्क में वापस आ रहे हैं तो एफिडेविट पर प्रॉब्लम होगा। ये कितनी साइंस है भाई मंसूर अली खान साहब, ये कौन सी साइंस फरमाई है आपने कि एफिडेविट जो अब पूरा हो रहा है कि जो वो मुल्क में वापस आ रहे हैं उस एफिडेविट पे अब जो है वो शहबाज साहब के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। मैनू तो यह गल को समझ नहीं लगी। और वो वैसे ही अगर आपका वो ये है कि वो है ना वो पंजाबी की के आटा गुंदी हेल्दी क्यों है, अगर वो वाला फिनोमेना है तो जाहिर है उस पर तो बात फिर अब क्या ही कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद उन्होंने फिर जो है वो थोड़ी सी ज्यादती की, बल्कि काफी ज्यादती की, तो उन्होंने फिर वही काशिफ अब्बासी वाली तरह से उन्होंने प्लेटलेट्स का जो है वो एक मजाक उड़ाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अब तो उनके प्लेटलेट्स भी पूरे हैं और वो मुख्तलिफ मुल्कों से जो है वो घूम फिर के भी आए हैं, उनकी बीमारी का भी इशू नहीं है। तो ये मुझे फिर जो है वो डबल स्टैंडर्ड्स लगे मंसूर साहब के। इमरान खान जेल में है, वो पुन पुन के वहाँ पे मुर्गे खाए, जो है वो उसको तमाम तर सहूलियात दी जाएँ, उसके ऊपर उनको एतराज़ नहीं है। लेकिन मियाँ साहब जो एक उनकी हिस्ट्री है मर्ज के हवाले से और उनको ये बात अब तो मतलब इसका जवाब तो मंसूर साहब जो हैं वो करें जरा इन्वेस्टिगेशन और करके बताएं कि इमरान खान को जिस दवाई का पता है कि जिस आपको पता ना उसने कहा मुझे उस दवाई का पता है जिसको जो है वो दे तो हार्ट अटैक हो जाता है, तो मियाँ साहब को जो है वो जब उनके प्लेटलेट्स गिरे थे तो तब उनको जो है वो घर का खाना बंद कर दिया गया था और उनको वहाँ का नैब का खाना दिया जा रहा था। तो मंसूर साहब पता करें ना प्लेटलेट्स क्यों गिरे थे, बजाय इसके किसके ऊपर जो है वो तजीक अमेज लहजे में बात की जाए। तो ये मुझे नहायत नामुनासिब लगा मंसूर साहब की जो है बात के ऊपर। दूसरा जो है वो एक तरफ वो जो है वो कह रहे हैं कि कोई बहुत मकबूलियत में कमी हो गई है और जो है वो अगर आप लैंड अगर अब भी वो कह रहे हैं अगर आप लैंड कर गए तो जो है वो लोग आपसे बहुत खायफ हैं और जो है ये सूरत हाल पलट नहीं जाएगी, लाहौर जिसको आप अपना मुबैना तौर पर अपना गढ़ कहते हैं वो गढ़ नहीं है, वोट बैंक वापस जो है वो आएगा कि नहीं, इनको बहुत जो है वो शकुको शुबात है। और दूसरी तरफ जो है वो कह रहे हैं कि
चूंकि मियाँ साहब आ रहे हैं तो अब ये सिग्नल है कि इलेक्शन हो रहे हैं, तो पहले तय कर लो मंसूर साहब, तो उसे कहना की चाहते हो? मतलब एक तरफ आपको पता है कि पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान का इलेक्शन जो है मुकम्मल ही नहीं हो सकता जब तक मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस ना आए, और आपको इलेक्शन मिलेगा ही तब जब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है जिनको एक प्रोजेक्ट इमरान खान की जो है जैसे मुल्क से जो है वो बाहर जो है वो भिजवाया भी गया, पहले भी मुशर्रफ के दौर के अंदर भी, उसके बाद उनके साथ एक उनकी जान लेने की कोशिश की गई, और अब जो है अब वो जो दोबारा वापस आ रहे हैं उसके ऊपर एक तरफ उनको लगता है कि जो लोग खायफ हैं हमारा लॉर गार्ड नहीं रहा, दूसरी तरफ उनको लग रहा है इलेक्शन ही तब होंगे जब मियाँ साहब आएंगे। तो सर जनाब पहले जरा अपनी तसीफ फरमा लो और बता दें आप चाहते क्या, आप कहना क्या चाह रहे हैं। अच्छा दूसरा, आप जल्दी से जवेद चौधरी साहब पे बात कर लेते हैं। जवेद चौधरी साहब जो है उन्होंने वो प्रॉब्लम है, लेट क्यों आ रहे हैं, मतलब हो कोई ना गल अभी तो लेट क्यों आ रहे हैं, भाई मारी मर्जी लेट क्यों आ रहे हैं, तो बात है भला करने वाली। बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब हमारा ट्रंप कार्ड है, और उनको जो है हमें किस वक्त कहाँ जो है वो उनको लेके आना था ये पार्टी का फैसला है, ये जवेद चौधरी साहब तो नहीं कर सकते, तो वो उनको जो है बड़ा प्रॉब्लम है कि लेट क्यों आ रहे। तो सर उन्होंने तभी आना था जब मियाँ साहब ने और पार्टी ने फैसला करना था, और साडा दिल चाह रहे असं हूँ ले आ रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो इसके ऊपर उनको एतराज है कि जी, और वो ये कह रहे हैं कि जी काजी फायज ईसा का जो रवैया जो है वो देखने की कोशिश की जाएगी, और फिर जो है वो 21 तारीख क्यों रखी गई। तो जवेद चौधरी साहब साढ़े को तो पिंकी पीर नहीं है कोई नहीं ना जी, और असी तो मोकला शौकला तो चलते नहीं, तो हम तो जो 21 तारीख हफ्ते का दिन बनता है और उस को जो है वो पार्टी ने फैसला किया है कि उस दिन मियाँ साहब को लैंड करना है, तो ये जो है ना ये फलानी तारीख पे ये होगा, फलाने चांद की तो गर्दिश तो पता नहीं सूरज का फलाना, ये हमारे यहाँ नहीं होता। तो ये डेट जो है ये एक नॉर्मल तरीके से जैसे डेट एक अनाउंस की जाती है वैसे की गई है, और इसमें काजी फायज ईसा साहब को बीच में जो है मुलव्वस करने की एक नाकाम और भोंडी सी कोशिश की है जवेद चौधरी साहब ने। वैसे मैं समझती हूँ कि जवेद चौधरी साहब अब जो हिकमत वाला काम कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर है, उस तरफ जो है वो ज़्यादा तवज्जो दें तो अच्छा है, शायद उनकी ज़्यादा जो है उससे बेहतरी हो जाए। और आखिर पर जो है इमरान खान ने जो है वो आज फिर उन्होंने कहा कि जी प्लीज़ मुझे पिंकी पीरनी से मेरी मुलाकात का वक्त बढ़ा दें। कितनी, वैसे मैं सोचती हूँ कि कितनी देखे ना प्यारी प्यारी जो है वो ख्वाहिशात हैं इमरान खान की, उनको पिंकी पीरनी से वक्त ज़्यादा बढ़ाना है। और हाँ देखे सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं भूल गई, ये बताएं कि मियाँ साहब वापस आ गए तो वो जड़ी शयान और पार्टी है उदा की बढ़ना है उतने, हाय हाय उनके तो लाइक्स और वो व्यूज ही गिर जाएंगे। और मैंने याद कराना था याद दहानी के लिए कि बेटे शायान बेटा और उनकी पार्टी वो जो पीछे पीछे भागती है ना लड़कियां भी, और वो जिनको बहुत शौक है गले फाड़ने का एवन फील्ड के बाद, तो बेटा सारे अपने अपनी 21 तारीख की टिकटें कराओ, क्योंकि आपके बड़े जो है बुजुर्ग मियाँ नवाज शरीफ साहब वो पाकिस्तान आ रहे हैं, आपने वादा किया था, तो अपनी अपनी टिकटें आप भी कटाएं, और अगर टिकटों कटाने में कोई आपको प्रॉब्लम हो तो हम आपको टिकट खुद भिजवा देंगे। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे बातचीत होगी। मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।